नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हमारा सिटी का फॉरेस्ट एरिया जहां से हम चलकर जा रहे हैं, हम गए थे संडे के दिन सुबह सुबह। तो देखिए, ये नज़ारा है सुबह का, जो अभी बारिश का नज़ारा, बारिश है तो यहां पे ये जो पानी गिर रहा है, ये सिटी फॉरेस्ट है जहां पर टूरिस्ट वगैरह लोग यहां पे आते हैं। तो अभी थोड़ा बारिश गिरी थी, पड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी बहना चालू हो गया है। अगर और ज़्यादा बारिश होगी तो और ज़ोर से यहाँ पे पानी गिरता है। तो कई टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, आगे जाके हम और बताएंगे आपको। ये स्टार्टिंग का एरिया है जहाँ से हम पहले, आप देखा ना, आप वहाँ पे हम चल कर आए थे। तो ये स्टार्टिंग का एरिया है जो रोड साइड का, तो स्टार्टिंग से यहाँ से जाना पड़ता है। उसी के बाजू में एक रोड मिलता है अपने को जाने का, तो वहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक साइड का जो नज़ारा है, आजू बाजू जो घरें नज़र आती हैं और लारी वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह भी जाती हैं, यही वो टूरिस्ट एरिया है जो कर्नूल सिटी के अंदर है। थोड़ी दूर है, सिटी से बाहर है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो संडे के दिन हम आए थे सुबह सुबह शूट करने के लिए, तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में ऐसे ही बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। 10-11 बजे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, कभी आंध्र प्रदेश कर्नूल सिटी के अंदर अगर आप आएँ तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कई लारी वगैरह और सब कुछ जा रहे हैं, यहाँ पे रोड साइड का एरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, हर हमेशा हरियाली भरियाली, और साइड रोड साइड में पानी और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और यहाँ काफ़ी बहुत सारे बोट्स भी वगैरह भी हैं अंदर। तो आगे वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको अंदर का भी नज़ारा बताऊंगा कि अंदर जाकर चलकर क्या नज़ारा है। ये देखिए, एक प्लास्टिक की बोट रखी हुई है, एक चकले की। जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो अगर अपना हाथ से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैकेट वगैरह दिया जाता है, तो यहाँ पे इस पे बैठकर वो पानी में इंजॉय भी करते हैं जाकर। और यहाँ सुबह सुबह पक्षी भी, अपना चारे के लिए पक्षी भी आए हुए हैं, तो हमने वो भी शूट किया था। देखिए, तो सुबह सुबह ये पक्षी भी अपना चारे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये भी हमने कुछ शूट किया था आप लोगों को बताने के लिए। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे देखिए पक्षी भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं शिकार के लिए और ये चारे के लिए। तो बेहतरीन नज़ारा है, कभी आप आएंगे तो ज़रूर आइएगा। और ये भी देखिए, यहाँ पे कुछ पानी बह रहा है तो साफ़ सुथरा, तो यहाँ साफ़ सुथरे पानी में आपको तो पता है, आप उन लोगों को भोजन के लिए कुछ यहाँ पे चाहिए होता है तो एक दूसरे को लड़ रहे हैं ताकि मुझे मिले, मुझे मिले। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ का भी थोड़ा हमने शूट किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सारे पक्षी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपना भोजन के लिए। तो अंदर थोड़ी देर अंदर जाने के बाद ये थोड़ा सीन आता है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही बड़े बड़े झाड़ी वगैरह, ट्री वगैरह रहते हैं यहाँ पर अंदर जाने के बाद में। तो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, ये थोड़ा टाइम हो चुका था, तकरीबन 10 बज चुके थे, 10-11। तो ये नज़ारा है यहाँ का। तो अंदर और बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो अंदर घूम घूम के हम लोग देख सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए हर चीज़ यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट जो है उसके अंदर मिल जाता है अपने को। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं यहाँ दूर दूर से इंजॉय करने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखिए हमने बता रहे हैं। तो ये तकरीबन ज़्यादा टाइम हो चुका था तो हमने यहाँ का थोड़ा बहुत शूट किया था तो आप लोगों को बताने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा रहता है यहाँ पे टूरिस्ट लोगों के लिए। तो
आप देखकर एंजॉय करिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू।